किशनगंज इलाके में लगातार बढ़ती चोरियों की वारदात से निपटने के लिए शुक्रवार को जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राशिदीप सिंह ने मैं जागता इलाके का निरीक्षण किया। इस दौरान प्राइवेट बस स्टैंड पर रुकने वाले यात्रियों को भी वहां नहीं ठहरने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसपी ने किशनगंज के दाहर सेन स्मारक और आसपास की बस्तियों में रहने वालों से संदिग्ध लोगों के बारे में पूछताछ की। हाँ देखिए, यहाँ पर अभी मेरे पास में यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं वो लोग मिलने के लिए आए थे। उनका कहना है कि यहाँ लगातार कुछ स्पेसिफिक जगह पर चोरियाँ हो रही हैं, तो उन चोरियों की जो भी वजह हैं उन्हें पता करने के लिए और हम यहाँ क्या कर सकते हैं ताकि इन चोरियों पर लगाम लगे, इसके लिए यहाँ का राउंड किया। नहीं, हम पूरा एग्जामिन करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। प्राइवेट बस स्टैंड किया था आपने? हाँ, वो प्राइवेट बस स्टैंड को लेकर के शिकायतें हैं कि वहाँ लोग रुकते हैं, खाना बनाते हैं, जो कि अलाउ नहीं होता ऐसी जगह पर। कोई भी सिलेंडर या कोई भी जो ज्वलनशील पदार्थ होता है वैसी जगहों पर अलाउ नहीं होता। उसके बाद भी वो लोग वहाँ खाना बना रहे थे, ये शिकायत थी। तो वहाँ पर ये सारी जो गतिविधियाँ हैं उसको बंद कराया जाएगा, उसके लिए निर्देश दे दिए गए। चौकी की भी बात हुई थी चेंज करने। देखिए, चौकी में रहने की जगह नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमारा स्टाफ रुक नहीं पा रहा। उसके लिए एडीए से बात की है, एडीए के अधिकारी से बात की है, तो उनके साथ में मिल करके हम कोई और जगह अलॉट कराएंगे, कोशिश करेंगे कि थोड़ा बेटर प्लेस हो जाए जहाँ पर कि हमारा स्टाफ रुक सके। निरीक्षण के दौरान हरिभा उपाध्याय नगर विकास समिति के अध्यक्ष संदीप ढाबाई ने एसपी को पुलिस चौकी लगवाने की बात कही। थाना स्थित हरिभा उपाध्याय नगर विस्तार कॉलोनी में लगातार बढ़ती चोरियों को लेकर आज हमने एसपी साहब को ज्ञापन दिया। ज्ञापन एसपी साहब को देते ही उन्होंने स्वयं कॉलोनी में आने का निर्णय किया और वो यहाँ खुद आए और उन्होंने जो समस्याएं थी हमारी, जैसे प्राइवेट बस स्टैंड में अवैध रूप से लोगों का वहाँ पर रहना, रुकना, खाना बनाना, एक तरह से मिनी इसको विश्राम स्थली का रूप दे रखा था, उस पर उन्होंने कार्रवाई करी। और जहाँ अवैध रूप से यहाँ दारू संचालित हो रही थी वहाँ पर भी जाके उन्होंने निरीक्षण किया और जो हमारी कॉलोनी के जो चौकी है उसका आके निरीक्षण किया और उस चौकी को बड़ा रूप देने के लिए या उसको कहीं अदर दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए या बड़ी चौकी के लिए उन्होंने प्रयास किया और उन्होंने कहा कि जल्दी हम इस पर कार्रवाई करेंगे और चोरियों का खुलासा करेंगे। कैमरा लगाने की बात हुई? हाँ, हम पूरी कॉलोनी में हम भी पुलिस की मदद करना चाहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि चोरों को पकड़ा जाए, तो हम अपने स्तर पर हर कॉलोनी के हर ब्लॉक में या हर गली में दो कैमरे की हम उस उन्हीं घरों को कहेंगे कि आप अपने गली के बाहर एंट्रेंस और एग्जिट पे एक एक कैमरा लगाएं और जिससे कॉलोनी में चोरियों का निराकरण हो, पुलिस की मदद हो सके। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।